इस लेसन में मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन के बारे में बयान करने लगा हूँ और मैं आपको बताने लगा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन में इलस्ट्रेशन क्या है और इसको हम किस तरह से अहम करार दे सकते हैं। दोस्तों, इलस्ट्रेशन का वैसे तो मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, बयान करना। जब हम ग्राफिक डिज़ाइन में इलस्ट्रेशन की बात करते हैं तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन में इलस्ट्रेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को विजुअल के थ्रू बयान करना, विजुअल के थ्रू एक्सप्लेन करना। दोस्तों, जब किसी भी चीज़ को, किसी भी कहानी, पिक्चर, प्रोसेस या किसी भी डाटा को कुछ इस तरह से विजुअली एक्सप्लेन किया जाए, विजुअली इस तरह से उसको डिकोर किया जाए या इंटरप्रेट किया जाए कि उसको बाद में आम तौर पे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोड्यूस किया जा सके और किसी मीडिया के थ्रू पब्लिश किया जा सके, तो वो कहलाती है ग्राफिक डिज़ाइन में इलस्ट्रेशन। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताता चलूँ इलस्ट्रेशन के हवाले से। इलस्ट्रेशन का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है एक बहुत ही कदीम फ़न के साथ, एक बहुत ही कदीम फॉर्म ऑफ आर्ट के साथ, और वो फॉर्म ऑफ आर्ट है जनाब अली आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ज़माना कदीम से इंसान एक दूसरे को कहानियाँ बयान करता आया है। बात कुछ यूँ है कि शुरू में जब इंसान ने कहानी बयान करने का फ़न सीखा तो वो कहानियाँ अल्फाज के थ्रू, यानी कि सिर्फ वर्ड्स के थ्रू बयान किया करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने खाके बनाने सीख लिए, उसने तस्वीरें बनानी सीख ली, और इस तरह से क्या हुआ कि इंसान ने इन्हीं कहानियों को विजुअल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया और यहाँ से बुनियाद पड़ी दोस्तों इलस्ट्रेशन जैसे फॉर्म ऑफ आर्ट की, जिसका ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी और बहुत ज़्यादा हम इसको इम्पॉर्टेंट करार देते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने वो बच्चों वाले कायदे तो देखे होंगे जिनके अंदर हम किसी भी छोटी सी चीज़, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को तस्वीर की सूरत में देखते हैं। बच्चों के कायदों के अंदर सेब को सिर्फ लिखा नहीं जाता एप्पल, बल्कि उसको साथ में तस्वीरी शक्ल में बयान भी किया जाता है। इसी तरह से अखबारों में हम देखते हैं कि तस्वीरी खाके होते हैं, फ्रंट पेज के ऊपर या सेकंड पेज के ऊपर हम देखते हैं कि तस्वीरी खाकों की मदद से कोई भी सोशल जो प्रैक्टिस होती है या कोई भी सोशल प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर सटायर किया गया होता है और हम उन खाकों को देख के बहुत इंजॉय करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से बच्चों की कॉमिक स्ट्रिप्स होती हैं। ये कॉमिक स्ट्रिप्स क्या हैं? ये भी कहानियाँ ही हैं और ये बच्चों के लिए हैं और ये भी इलस्ट्रेशंस की मदद से बयान की जाती हैं। चाहे ग्रीटिंग कार्ड्स हों या इनविटेशन कार्ड्स हों, कोई भी चीज़ जिसमें हम कोई ना कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो इलस्ट्रेशन के बगैर बिल्कुल अधूरी सी और फीकी फीकी सी लगती है। आप लोग देख सकते हैं अपने सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर ये कुछ कॉमिक स्ट्रिप्स के विजुअल्स इस वक्त आप देख सकते हैं, और आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कॉमिक स्ट्रिप्स जो हैं ये एक बहुत ही फेमस फॉर्म ऑफ आर्ट है और जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स या इलस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो इनको बनाते हैं और ये पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस फॉर्म ऑफ आर्ट है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया बच्चों के कायदे का, ये आप देख सकते हैं कि बच्चों के कायदे के हर पेज के ऊपर, बल्कि सिर्फ कायदे ही नहीं बल्कि जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लासेस में आते जाते हैं उनकी हर जो चाहे लैंग्वेज की बुक हो या चाहे मैथमेटिक्स की बुक हो, कोशिश ये की जाती है कि उन बुक्स को इंटरेस्टिंग और ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इलस्ट्रेशंस का सहारा लिया जाए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे इलस्ट्रेशन के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इलस्ट्रेशन जो है वो पुराने दौर के अंदर मैनुअल हुआ करती थी। मैनुअल से मुराद ये है कि ड्राइंग की सूरत में, स्केचेस की सूरत में या फिर जो पेंटिंग है उसकी सूरत में इलस्ट्रेशन को किया जाता था। पेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें पोस्टर पेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इलस्ट्रेशन के लिए ख़ास तौर पे वाटर कलर्स जो हैं ये एक बहुत ही फेमस मीडियम ऑफ आर्ट है जिसको इलस्ट्रेटर्स बहुत ज़्यादा शौक से और अपने पसंदीदा मीडियम के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जब ये जो मैनुअल वाला जो दौर था ये शिफ्ट हुआ डिजिटल के ऊपर, तो डिजिटल इलस्ट्रेशन मुतारफ हो गई और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही मशहूर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी इलस्ट्रेटर। और जी हाँ, ये वही सॉफ्टवेयर है जो कि इस कोर्स के अंदर अभी हम पढ़ने भी वाले हैं आगे चल के,
اس کو ہم سیکھیں گے باقاعدہ طور پہ. تو یہ جو اڈوبی السٹریٹر ہے یہ وہ سافٹ ویئر ہے, یہ وہ ٹول ہے جس کی مدد سے ڈیجیٹلی ہم السٹریشنز بناتے ہیں, چاہے وہ کارٹون کریکٹرز ہوں, چاہے وہ کوئی کسی کتاب کا کوئی پیج ہو, کوئی بھی چیز ہو, ہم اڈوبی السٹریٹر میں اس کو ڈیجیٹلی پروڈیوس کر سکتے ہیں, السٹریٹ کر سکتے ہیں. اچھا دوستو, السٹریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب جب ہم فری لانس آن لائن مارکیٹ کی بات کریں گے تو السٹریشن وہاں پہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آن لائن فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ گرافک ڈیزائن سے ریلیونٹ جو اسکلز بیچی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں, جو سروسز بیچی جاتی ہیں, ان میں سے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سروس اور بہت زیادہ امپورٹنٹ اسکل جو ہے وہ السٹریشن کی بھی ہے. تو دوستو یہاں پہ آپ کو کون کون سے کام کرنے ہوں گے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چاہے آپ کے کلائنٹ کو پوسٹرز بنانے ہوں یا اس کو اپنے کسی بھی کمپنی یا برانڈ کے لیے میگزین ایڈ یا پرنٹ ایڈ کی ضرورت ہو, اس کے علاوہ بکس, بکلیٹس اور جو کمپنی پروفائلز ہوتی ہیں, یہ بہت زیادہ جابز اویلیبل ہیں آن لائن فریلانس مارکیٹ پلیسز پہ ان گرافک ڈیزائنرز کے لیے جن کی الیسٹریشن اچھی ہے. اس کے علاوہ دوستو اینیمیشنز اور جو ویڈیو گیمز ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسے اسٹیٹک گرافکس ریکوائرڈ ہوتے ہیں بعض اوقات کلائنٹ کو, ان کے اندر بھی, ان اینیمیشنز میں اور ان ویڈیو گیمز کے اندر بھی جو ہے وہ اسٹیٹک گرافکس الیسٹریٹر کی مدد سے الیسٹریٹرز تیار کرتے ہیں. تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو الیسٹریشن کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہوگا ہمارا لیکچر, اس میں ملیں گے گرافک ڈیزائن کے کسی نئے کانسیپٹ کے ساتھ.